तो अभी हमने टाइप वन प्रॉब्लम देखे, टाइप वन में भी उनके सब टाइप्स देखे, अब देखते हैं टाइप टू प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं, प्री में तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, और अगर मेंस में भी, मेंस में भी इससे इतना तो पूछा ही जाता है, इसके आगे और क्वेश्चन ऐड किया कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना, और इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, सो फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन एरिया। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगल की लेंथ को हम 20% बढ़ा दें और ब्रेथ को हम 10% घटा दें तो उसके एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। हमें यार पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इतना हमें पता है, यानी अगर हम लेंथ में कुछ चेंज करेंगे तब भी एरिया में चेंज आएगा, ब्रेथ में कुछ चेंज करेंगे तब भी एरिया में चेंज आएगा। अभी यहां पे क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं 20% और ब्रेथ को डिक्रीज कर रहे हैं 10%। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो चीज बढ़ रही है वो आएगा प्लस 20 और जो चीज घट रही है वो आएगी माइनस 10। ठीक है, तो हमारा हुआ एक्स प्लस 20, वाई में हम डालेंगे माइनस 10 क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन के साथ लेंगे, सो माइनस 10। देन 20 इंटू माइनस 10 इज माइनस का फाइन डिवाइडेड बाय 100, सो हमारा कितना आया, 20 माइनस 10 इज 10, माइनस 0 से 0, 0 से 0 माइनस 2 इज 8%, यानी जो हमारा परसेंटेज चेंज होगा वो 8% का होगा। अच्छा अब बताओ एरिया 8% से बढ़ेगा या घटेगा, यहां पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो एरिया जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा 8% से। ठीक है, और यहां पे अगर माइनस आता तो वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो अभी देखो इसको हमने इस तरीके से देख लिया, लेकिन क्वेश्चन ना आजकल बहुत थोड़े चेंज करके आ रहे हैं, एसएससी ने हमारा पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारी ये अप्रोच काम नहीं करेगी, तो देखते हैं कौन सी अप्रोच हमारी काम करेगी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% देन लेडी परचेज 5 kg लेस शुगर इन रुपीज 100, सो वी हैव टू फाइंड इनिशियल प्राइस एंड चेंज प्राइस। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि देखो एक चीनी का दाम जो है वो 20% बढ़ गया। ठीक है, तो अब जो लेडी है वो 100 रुपए में 5 किलो कम चीनी खरीद पा रही है। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो आप उसकी कम क्वांटिटी खरीद पाओगे उतने ही रुपीज में, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका इनिशियल प्राइस क्या था और चेंज प्राइस, अब जो फाइनल प्राइस है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो 20% हमें पता है 1/5 है। ठीक है, 20% से बढ़ रहा है यानी प्राइस जो है वो 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो होगी वो 6 से 5 होगी, और ऐसा रिवर्स रेशियो क्यों आ रहा है मैंने आपको पार्ट वन में बताया था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार पार्ट वन दोबारा देख लो। ठीक है, तो अब देखो उसने बोला कि वो 5 किलो कम खरीद पा रहा था, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से वो कितना कम खरीद पा रहा है, 1:1। पहले वो 6 किलो खरीद पा रहा था, अब वो 5 किलो खरीद पा रहा है, या वो पहले वो 6:1 खरीद पा रही थी तो वो 5:1 खरीद पा रही है। ठीक है, तो 1:1 की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5 kg। ठीक, तो ये उसकी इनिशियल क्वांटिटी थी और ये उसकी फाइनल क्वांटिटी थी, राइट। तो हम रेशियो का रूल है कि जिस नंबर से हम एक को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें बाकी सब चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करा 5 से और इसको भी मल्टीप्लाई करा 5 से। सो हमारा इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 30 kg, और बाद में कितनी हो गई,
25 kg। यही तो क्वेश्चन में था ना कि वो 5 किलो कम चीनी खरीद पा रहा है, पहले 30 किलो खरीद पा रहा था, अब वो 25 किलो खरीद पा रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस वो कितना होगा, देखो 100 रुपए टोटल खर्च था, 30 किलो खरीद रहा था, तो 1 किलो का कितना प्राइस हुआ, ₹10 पर केजी। ठीक है, ये हमारा इनिशियल प्राइस था। अब देखते हैं चेंज प्राइस कितना होगा। अभी ₹100 का ही टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्च कितना है, ₹100 कर रही है वो, और कितना किलो खरीद पा रही है, 25 किलो। सो 25 किलो, सो 1 किलो की कितना हुआ, ₹4 पर केजी। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीका कि किस तरीके से हमें इसको लॉजिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको थोड़ा क्विक अप्रोच से स्मार्ट वे में सॉल्व करना है कि आपके विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आपके पास में हो। तो देखो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं जस्ट एक मैनेज करके बता रहा हूं। 20% इज 1/5, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो वो 5 किलो कम खरीद पा रही है, तो 5 को यहां लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, देन जो आंसर आए उसको इससे, जो यहां पे ये 1 है, इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 5 × 5 = 25, 25 / 1 = 25। अब ये जो हमारा 25 आया, ये मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ये जो हमारा 25 आया, ये हमारा क्या आया, जो न्यू कंजम्पशन है वो, यानी 25 kg। अब देखो 5 किलो कम चीनी खरीद पा रही है, यानी पहले 5 किलो ज्यादा खरीद पा रही होगी, तो जो हमारी ओल्ड कंजम्पशन है वो कितनी होगी, 25 + 5 = 30 kg। ठीक है, तो हमारे जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा, खर्च तो वो 100 रुपए ही कर रही है, खरीद कितना पा रही है, 25 किलो, सो हो गया ₹4 per kg। और जो हमारा ओल्ड प्राइस है वो कितना होगा, 100/30, 10/3। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट वर्बली इसका आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम अप्रोच, ये था इसका ट्रेडिशनल अप्रोच, मैंने आपको लॉजिकल एक्सपेक्ट भी बता दिया और एग्जाम अप्रोच भी बता दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 15%, देन अ लेडी परचेज 6 kg मोर शुगर इन ₹480। हमें बताना है कि इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस क्या है। सिंपल है क्वेश्चन कि शुगर का प्राइस जो है वो 15% से डिक्रीज किया, तो अब जो लेडी है वो हमारी 6 kg मोर शुगर खरीद पा रही है, कितने, ₹480 में। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो प्राइस था वो इंक्रीज हो रहा था, तो वो कम क्वांटिटी खरीद पा रही थी, इस वाले क्वेश्चन में प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगी अब। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो हमें पता है कि 15% इज 3/20 है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 15/100, 5 से काटा तो वो गया 3 पे और नीचे आया 20 पे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको तरीका बताया एग्जाम अप्रोच कैसे, ये 6 केजी मोर है, चाहे लेस हो कुछ भी हो, आपको यहां पे 6 लिख लेना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, सो 20 × 6 = 120, 120 / 3 = 40। अब ये जो 40 आई है हमारा क्या आया, दिस 40 इज आवर न्यू कंजम्पशन, 40 kg। ठीक है, अब ये न्यू कंजम्पशन है, तो हमारी ओल्ड कंजम्पशन कितनी हुई, देखो आप बताओ 6 kg ज्यादा खरीद पा रही है बाद में, तो पहले 6 kg कम खरीद पा रही होगी, अगर 40 kg अब खरीद पा रही है तो उससे पहले वो 34 kg खरीद पा रही होगी, फाइन है ना। तो हमारा जो न्यू प्राइस है
वो कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 480, सो 480 बाय 40 विच गिव्स अस 0 से 0 गया, इससे ये गया तो ये हुआ रुपीस 12 पर केजी, रुपीस 12 पर केजी। अब देख लेते हैं हमारा इनिशियल प्राइस कितना है, ये हमारा फाइनल प्राइस आया, अब इनिशियल प्राइस, सो आवर इनिशियल प्राइस इज 480 बाय 34, सो आप इसको थोड़ा नॉर्मल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सो 217 240, सो जिस भी आंसर अगर आपको डेसिमल में दे रखा है डेसिमल में करो, और अगर आपको फ्रैक्शन में देखा तो फ्रैक्शन में छोड़ दो। सो अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो अभी हम इसको इसी तरीके से करेंगे। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि आपको मोस्टली वो होल नंबर्स में आए, ठीक है। तो मेन हमारा था कि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस है ये, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, आपने एग्जाम पहले दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन आते हैं, तो चिंता मत करो, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज के डिस्कस करेंगे, सारे टाइप्स, स्टार्टिंग इजी से लेकर, अभी हम बेस थोड़ा इजी लेके चल रहे हैं, बाद में हम मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके एसएससी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है। सो हम दूसरा मेथड एक नए क्वेश्चन की तरह से समझते हैं, ठीक है, कि क्या हमें प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे हम उसको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 16 2 by 3% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 33 1 by 3%, सो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन एरिया। सिंपल सी है कि अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 16 2 by 3% से डिक्रीज हो रही है एंड ब्रेथ हमारी 33 1 by 3% इंक्रीज हो रही है, तो उसके एरिया में कितना परसेंट चेंज आया। अब देखो यार, अगर यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 वाला फॉर्मूला लगाने जाएंगे ना, तो हमें 16 2 by 3% का पहले डेसिमल निकालना पड़ेगा, वो हम डेसिमल वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका निकालना पड़ेगा, तो 33.3, फिर उसको 33, इसका आएगा 16.66, तो 16.66 को आप मल्टीप्लाई करो 33.3 से, तो कैलकुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच होती है हमारी रेशियो मेथड, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे। देखो जो लेंथ है वो 16 2 by 3% है, 16 2 by 3% हमें पता है 1 by 6 है, ये कैसे आया, अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार पार्ट 1 देख लो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी डिक्रीज हो रही है, यानी 6 से 5 हो रही है ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में ही एक बार कि कैसे डिक्रीज करना है हमें। अब जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है, 33 1 by 3% is 1 by 3, अभी इंक्रीज हो रही है, यानी स्टार्टिंग में थी 3, अब हो गई है 4, ये हमारा क्या है लेंथ है, ये हमारा क्या है ब्रेथ है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा अपना एरिया, फाइन। तो इनिशियल एरिया हमारा कितना हुआ 6 into 3 is 18 units और फाइनल एरिया हमारा कितना हुआ 5 into 4 is 20 units। इसको सिंपलीफाई कर लो, 2 से डिवाइड करो, सो 2 9 और 2 10, यानी एरिया पहले हमारा 9 यूनिट्स था, अब वो हो गया 10 यूनिट्स, तो कितना परसेंट चेंज आया, 1 का चेंज आया 9 यूनिट पे, जिसकी वैल्यू हमें पता है 11 1 by 9%, ठीक है। ये सारे फ्रैक्शंस की हमने पार्ट 1 में बात करी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से अच्छा है कि आप यहीं पर सिंप्लीफाई कर दो चीजों को, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज कॉमन मिल रही है तो सपोज यहाँ पे 6 और 4 में हमें कॉमन मिल रहा है 2, तो यहीं पे आप सब उसको डिवाइड कर लो 2 से, तो 3 3 9 एंड 5 2 10, ठीक है। अभी सिंपल रेशियोज थे तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, बाद में जब रेशियोज की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें बेस्ट अप्रोच हमारा यही हो कि हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें और फिर मल्टीप्लाई ना करें फालतू में बड़ी चीजों को, ठीक है। तो गाइस
आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा एंड टाइप टू प्रॉब्लम भी आपको समझ में आई होगी। सो आज के लेसन के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ, नए टाइप्स के साथ। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।